हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज। आज एसएससी का ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी तक हमने कितने एक्सरसाइज कंप्लीट किए? दो। आई होप ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है। अच्छा, अब 1.3 करने से पहले कुछ दो स्टूडेंट मेरे को यहाँ पे चाहिए। कौन आ जाएगा? रेहान और हर्ष। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फट 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 फट। रेहान भी आ जाओ और हर्ष भी आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। चलो चलो चलो, आ जाओ। चलो हर्ष अंदर, वेरी गुड। रेहान भी अंदर, क्या बात, बढ़िया है बेटा। आप लोग ने तो पूरा सिस्टम हिला दिया। चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे एक एग्जाम्पल सॉल्व। ओके, वो करने से पहले आ जाइए रेहान सामने, छोटा सा जगह इधर कैमरा की तरफ दिखना पड़ेगा, आप भी इधर आ जाइए। मेरा सवाल है पहला, इन दोनों को देख के क्या लगता है? इन दोनों को जब आप देखोगे तो क्या लगता है? एक समोसा बड़ा है, एक समोसा छोटा है, खाया नहीं, बट दोनों तो लड़के ही हैं। क्या वो लड़की लग रही है? नहीं, बाली पहना है लेकिन फिर भी लड़का है। मुझे मतलब ये लड़का है और ये भी लड़का है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ जी, ऐ इधर ध्यान दे रेहान, बराबर क्लियर यहां तक? तो क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं? हाँ, कॉन्ग्रुएंट मैंने पहले पढ़ाया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कि हाइट भी सेम, बेस भी सेम, शेप भी सेम, उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। बट ये लोग कॉन्ग्रुएंट है तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? इसको हम लोग कहते हैं सिमिलर। क्यों? क्योंकि दोनों लड़के हैं, ये बात से ये लोग क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इसका हाइट बड़ा है, इसका हाइट छोटा है, बराबर है? हाँ या नहीं? तो जब आपको मैं कहता हूं कि दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, दो ट्राइंगल को जब मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलर प्रूव होने का रूल क्या है? कि ये लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ये लोग कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। ये लोग सिमिलर है, और सिमिलर में क्या होता है? दोनों का हाइट अलग अलग है लेकिन हाइट प्रपोर्शन में होगा। प्रपोर्शन मतलब छोटा हाइट अपॉन बड़ा हाइट, इसे हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं। समझ में आ गया क्या? मतलब जितना इसका हाइट है, हो सकता है उसके प्रपोर्शन में इसका हाइट है। ये वन है तो ये उसका क्या है? डबल है। मतलब इस ट्रायंगल का वो डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, चौपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाली क्या होगा? प्रपोर्शन में होगा। ये समझ में आया? क्या करना है इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। जो हमने सिमिलरिटी के अंदर बताया था, दो समोसा लाया था, शेप सेम है, साइज सेम है, हाइट सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन शेप सेम है, हाइट सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो उसे हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? चलो हर्ष चले जाओ जगह पे। अब देखते हैं क्या मैंने बोला और हम क्या करने वाले हैं। पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एक्सरसाइज 1.3। कैमरा संभालो खाली उधर, वेरी गुड। चलिए बढ़िया। पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एक्सरसाइज 1.3 इज 90% of the triangle, 90% of the triangle can be made similar। अपने क्वेश्चन में 90% ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते by using AA test of similarity। 9th स्टैंडर्ड में आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल किया था, एंगल कॉन्ग्रुएंट, एंगल SAS test, AA test, याद आया कि नहीं? बराबर है, बट वहां पे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। हमको क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। तो जब भी आपको ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो कौन सा टेस्ट यूज करना है? AA टेस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल, ये मेरा ट्राइंगल है, ये भी मेरा ट्राइंगल है, बट दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? वेरी गुड। इधर अपने को क्या दिख रहा है भाई? ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बोलता हूँ ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है। तो आप देख सकते हो इसका साइड जो है वो प्रपोर्शन में, मतलब ये साइड का रेशियो क्या आया है? 2/4, मतलब 1/2 हुआ ना, 1 जा 2 जा हुआ,
ये साइड क्या है, 3/6, ये भी आया 1/2, 5 1 5 2, ये भी आया 1/2, मतलब ये ट्रायंगल अगर 1 है सब साइड से तो ये ट्रायंगल क्या है 2 है, मतलब दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है ना 1, तो इसका क्या है 2 है, समझ में आया। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, अंडरस्टूड। बट आपको अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हो आप, AA टेस्ट। अब ये AA टेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब इधर साइड का मेजरमेंट नहीं दिया, बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बस दो ही एंगल कॉन्ग्रेंट दिया, ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट है और ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट एंगल हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रेंट। साइड हमेशा क्या होता है, प्रपोर्शन। साइड प्रपोर्शन में और एंगल कॉन्ग्रेंट। तो अभी नेमिंग करता हूं, ए पी, तो आई कैन से एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर, गिवन बी को कॉन्ग्रेंट क्यू, बराबर है। वैसे ही एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर क्यू, गिवन। तो जब एक ट्राइंगल के अंदर, ये दो ट्राइंगल है ना, इसके अंदर अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर। कौन से टेस्ट से, समझ में आ गया, अपने को एक्सरसाइज में यही करना, ट्राइंगल देखना, ए टेस्ट है सिमिलर, ए टेस्ट है सिमिलर। और जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड क्या होता है, प्रपोर्शन में, और अगर साइड प्रपोर्शन में तो ट्राइंगल क्या होगा, रिवर्स, समझ में आ गया। अगर ट्राइंगल का साइड प्रपोर्शन में है तो ट्राइंगल सिमिलर है, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड क्या है, प्रपोर्शन में, क्लियर। चलिए और एक चीज है इसके अंदर, फॉर साइड टेस्ट, साइड टेस्ट ट्राइंगल का क्या होना चाहिए, प्रपोर्शन में। अभी मैंने बताया था साइड प्रपोर्शन में तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड क्या रहेगा, प्रपोर्शन। यही चीज है इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है, पक्का 100%। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के सम की तरफ। डायग्राम देखा मैंने आयशा, डायग्राम देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, डी सी, कुछ बहुत सारा डायग्राम अलग अलग बना के दिया है। बोला है एंगल ए बी सी कितना है, एंगल ई डी सी कितना है, स्टेट विच टू ट्राइंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, अपने को बताना है इसमें से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से। Also write the similarity of these two triangle by proper one-to-one corresponding. अगर triangle similar है तो side कौन से आएंगे वो लिखो, समझाइए। सर थोड़ा सा doubt है, कुछ नहीं समझा, मतलब ठीक है, बड़ा वाला triangle दिख रहा है क्या, मैंने क्या किया इसमें से line गायब किया, एक बड़ा triangle बनाया और एक छोटा वाला triangle इधर का निकाल दिया, तो दो triangle दिख गए। तो question में क्या पूछा था, state which two triangle, देखो अपने को दो triangle दिख गया, ए बी सी और बी सी सी। अभी इधर नेमिंग लिखना इंपॉर्टेंट है, ए बी सी अगर मैंने लिखा है तो बी का मेजरमेंट कितना दिख रहा है, इधर बी का मेजरमेंट, डी का मेजरमेंट। तो अगर मैं इसका नेमिंग, अगर जैसे रेहान ने बोला सर पहले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, ए बी सी, तो दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग अगर आप बोलते हो डी सी ई तो मैं बोलूंगा रॉन्ग, आप बोलोगे डी ई सी मैं बोलूंगा रॉन्ग, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो बताता हूं ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एंगल बी कितना है और वो बीच में है, तो जब मैं इधर भी नेमिंग हो तो इधर डी बीच में आएगा। अब डी और बी तो समझ में आ सर, तो पहले आप ए ई लिख दो फिर सी लू, मिलन नहीं, लास्ट में क्या है सी, अब सी इधर भी है ना, तो इधर लास्ट में क्या आएगा सी, आगे क्या आएगा ई, तो ट्राइंगल का नेमिंग समझ में आ गया। तो ट्राइंगल का नेमिंग कैसे लिखते हैं समझा आपको, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन सी जो अपने को पहचानने थे, तो पहला ट्राइंगल का नेमिंग है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग है ई डी सी। स्टेट विच टू ट्राइंगल, तो दिस टू ट्राइंगल। अभी अपने को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर है, सिमिलर होने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करने का, अगर साइड का मेजरमेंट दिया है तो एस 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 टेस्ट, अगर साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है एंगल दिया है तो ए ए टेस्ट, ये एंगल कॉन्ग्रेंट है मालूम है ना। इन दो ट्राइंगल के अंदर आई कैन से एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ई डी सी। अगर आपने यहां पे भी गलती कर दिया, जैसे आपने यहां पे क्या लिखा एंगल ए बी सी
सिमिलर या कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी डी ई लिखा ना, रॉन्ग। क्यों? बी को डी तो कॉन्ग्रेंट है ना सर, आपने तो वही लिखा, बी को कॉन्ग्रेंट डी लिखा ना आपने, लेकिन सी को कॉन्ग्रेंट सी होना चाहिए ना। तो अगर आपने सी आगे लिख दिया और ई इधर लिख दिया तो वो क्या हो गया, इसलिए नेमिंग भी बराबर रखने का। समझाइए आपको, एंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट क्या है, ई डी सी, कितना 75 डिग्री। अंडरस्टूड पहला। अब दोनों डायग्राम के अंदर आप देखो, सी और सी एक ही है, एक ही बाजू दिख रहा है। बड़े वाले ट्राइंगल में भी सी ऐसा दिख रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी सी ऐसे दिख रहा है। जब एक ही एंगल, दो ट्राइंगल के एक ही एंगल एक ही बाजू देखते हो, उसे भी कॉन्ग्रेंट कहते हैं। बराबर है? इसका मतलब ये इसका क्या है, कॉमन एंगल। डायग्राम के अंदर एक ही था, मैंने अलग अलग बनाया ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, ये तो पहला वाला लिखा इक्वेशन, और एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी ई। अरे बराबर, ए सी बी, ए को कौन सा नेमिंग आएगा, ई, सी को सी, और बी को क्या आएगा, डी। तो यहाँ पे ए सी बी को कॉन्ग्रेंट क्या आएगा, ई सी डी, कॉमन एंगल। समझा, नेमिंग समझा? अब जब दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। कौन से टेस्ट से? ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रपोर्शन में आएगा, हमेशा ध्यान में रखना, ट्राइंगल सिमिलर होगा तो साइड क्या होगा, प्रपोर्शन में। अब प्रपोर्शन मतलब ये छोटा और ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी, ए बी के बाजू में क्या आएगा, ई डी इज इक्वल टू बी सी के बाजू में क्या आएगा, ए सी के बाजू में क्या आएगा, वेरी गुड। एक मिनट बेटा, यहाँ पे ए सी के बाजू में क्या आ जाएगा, समझ में आया? इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप इसके पहले कॉन्ग्रेंट लिखते थे 9th स्टैंडर्ड में, अभी क्या लिखने का, सिमिलर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे therefore triangle is congruent by AA test, बस इतना ही पूछा था शायद। अब वन टू वन पूछा हुआ है, जो मैंने लिखा था वो लिखना, इसमें लिखा नहीं मैंने। ए बी को क्या आएगा, ई डी, बी सी को क्या आएगा, डी सी, और ए सी को क्या आएगा, ई सी। जो मैंने लिख के दिया था वो आएगा। पहला सम समझा? दूसरे सब में देखो मेजरमेंट दिया है, दूसरे सब में क्या दिया है, मेजरमेंट। इधर एंगल दिया तो कौन सा टेस्ट यूज किया, ए ए, और जब मेजरमेंट दिया तो कौन सा टेस्ट यूज किया, एस एस एस। समझ में आ गया? यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल दिया है, पी क्यू आर एंड ट्राइंगल, नेमिंग कैसे किया, पी क्यू आर एल एम एन। इसके अंदर अपने को साइड्स दिया गया है, देखो ट्राइंगल का साइड्स दिया गया, और क्या पूछा है, आर द ट्राइंगल्स गिवन इन द फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो हमने क्या अज्यूम किया, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या रहेगा, प्रपोर्शन में। तो पी क्यू के बाजू में क्या आएगा, एल एम, तो पी क्यू अपॉन एल एम होगा। क्यू आर के बाजू में क्या आएगा, और पी आर के बाजू में क्या आएगा, तो देखो इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एल एम लिखेंगे, बट क्वेश्चन में पी क्यू अपॉन एल एम दिया है, पी क्यू एल एम कितना है, 6/3। अरे समझा, विच इज टू वन जा, अरे समझा। दूसरा क्या आएगा बताओ, क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर का मेजरमेंट कितना है, एट, एम एन का कितना है, 4 1 जा 4 2 जा। समझा? तीसरा क्या बच गया, पी आर और एल एन, पी आर और एल एन, पी आर का कितना है 10, इसका कितना है 5 1 जा 5 2 जा। अब क्योंकि सब साइड देखो इक्वल आया, मतलब प्रपोर्शन में आया, ये प्रपोर्शन है ना, जब साइड प्रपोर्शन में तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। कौन से टेस्ट से, साइड से, एस एस एस। देयरफॉर वी कैन से, क्या हम बोल सकते, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to 3, therefore triangle is similar by S S S test। समझ में आया क्या, समझा सम, दोनों सम क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम। अब इधर क्या दिया देखो जरा, साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, पापा से साइड ही मेजरमेंट दिया है, कौन से टेस्ट से प्रूव करेंगे, एस एस सर। लेकिन दो ही साइड दिया है, मतलब दो साइड और एक एंगल भी दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये कौन सा टेस्ट होगा, एस ए एस, एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, 90 डिग्री भी है ना। अगर तीन साइड दिया है तो एस एस एस, दो ही साइड दिया है मतलब दो बार एस और एक उसका एंगल हो गया,
नहीं समझा तो क्वेश्चन रीड करते हैं। एज शोन इन द फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर देन शो हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। मेरे को समझा नहीं मिला, ठीक है ये समझेगा। क्या दिया है? दो पोल है, एक का हाइट 8 है और दूसरे का हाइट 4। देखो मैंने एक पोल बनाया है 8 मीटर का, बराबर है, और एक पोल बनाया है कितने मीटर का, 4। दिख रहा है? टू पोल, एक का हाइट 8 है और दूसरे का हाइट 4। 8 और 4 है, नेमिंग क्या? हाँ उधर सी है ना, चलो ना वो कर देंगे ना, क्या हो उसके अंदर फर्क ही क्या पड़ रहा है। चलो इधर टेक्स्ट बुक के अंदर इधर नेमिंग जो दिया है, यहाँ पे नेमिंग आपको दिया है सी और यहाँ पे आपको नेमिंग कर दिया है बी, एक ही बात है, ठीक है कोई नहीं। ओके तो एक पोल है जिसका हाइट 8 है, एक पोल है जिसका हाइट 4 है, ऐसा ही बोला था। ग्राउंड पे लगा हुआ है, हाँ भाई ग्राउंड पे लगा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल, स्मॉलर पोल जो है उसका शेडो आया है कितने सेंटीमीटर पे, अपने को इसका शेडो फाइंड करने का है। अपने को मालूम है क्योंकि ये दोनों पोल है तो दोनों पोल हमेशा सिमिलर ही होंगे। अभी मैंने दो जनों खड़ा किया था, रेहान को और हर्ष को, तो क्या लोग सिमिलर थे? हाँ, कब सिमिलर होते हैं? क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होना चाहिए, दोनों का शेप सेम है ना, हाइट सेम है क्या, बेस सेम है क्या, नहीं। तो अपने को मालूम है टू ट्राइंगल कैन बी सिमिलर इफ हाइट और बेस प्रोपोर्शन में, तो हम लोग इधर प्रपोर्शन कर सकते हैं ना, बस यही चीज करना है इधर सम के अंदर। समझ में आया? ये दोनों का बेस हो गया, ये दोनों का हाइट हो गया, चलिए ठीक है। सेगमेंट पी आर, सेगमेंट पी आर रिप्रेजेंट द स्मॉलर पोल, सेगमेंट क्यू आर रिप्रेजेंट द शैडो। समझ में तो आ ही रहा है। AC रिप्रेजेंट द बिगर पोल एंड BC रिप्रेजेंट द शैडो। अभी थोड़ा यहाँ पे अपन ने सी लिखा था, यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से ए बी आ जाएगा और टेक्स्ट बुक के हिसाब से ए सी क्या मिलेगा, रिप्रेजेंट पोल करेगा और बी सी रिप्रेजेंट करेगा शैडो। अरे समझा, चलिए ठीक है। सिंस द ट्राइंगल आर डिटरमाइंड बाय द पोल एंड शैडो, ट्राइंगल कैसे बना है, पोल से और शैडो से है नहीं, वी कैन सी द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इधर भी पोल इधर भी पोल दोनों सेम दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर। देयरफॉर वी कैन से एंगल पी क्यू आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पे बी है इसके लिए वहां पे बी लिखा है मैंने, बराबर, और आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ए सी बी आ जाएगा। पी आर क्यू इज इक्वल टू ए सी बी, कितना 90 डिग्री, ये समझ में आ गया। हाँ, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू पी आर क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी, बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर तो साइड क्या रहता है, प्रपोर्शन में, मतलब PQ अपॉन AC, QR अपॉन BC एंड PR अपॉन AB। अरे समझा ना ये कैसे लिखा, ये देखो PR अपॉन AB, RQ अपॉन BC, PQ अपॉन AC, समझ में आ गया। अब अपने कौन सा मेजरमेंट दिया उसका मेजरमेंट लिख लेते। PQ दिया है क्या, देखो नहीं, AC दिया है नहीं, QR दिया है हाँ 6, BC दिया है नहीं X है, पी आर दिया है हाँ जी, ए सी दिया ए बी दिया दिया, चलो हम लोग मेजरमेंट लिख लेते। अरे समझा, क्या फाइन करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स ऊपर आ गया, ये इधर चला गया, 4 नीचे आ गया, 4 वन जा 4 टू जा 8, 6 टू जा कितना 12, खत्म। तो अपने को शेडो कितना आ गया, समझ में आया क्या, दरवाजा बंद कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर, समझा ये पक्का समझा, मैं डायरेक्टली कर सकता था सर कैसे, अभी मैंने बताया ट्राइंगल सिमिलर तो साइड प्रपोर्शन में होता है, 4 वन जा 4 टू जा, तो प्रपोर्शन क्या है 2, मतलब अगर ये 1 है तो ये उसका डबल है, तो ये 6 है तो उसका डबल कितना आएगा, आंसर समझा, क्या बताया मैंने, समझ गए तो समझे डायरेक्ट आंसर, जब ट्राइंगल सिमिलर तो साइड प्रपोर्शन में होता है ना, तो ये 4 है और ये 8 है, मतलब 4 का ये डबल है ना, 4 वन जा 4 टू जा ना, तो 6 का ये डबल रहेगा, तो 6 का डबल कितना, तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, समझ गया, इतना भाषण है बट सम कैसे किया समझ में आ गया। चलिए बढ़ते देखते और कुछ क्वेश्चन है क्या अपने पास,
यहाँ वापस से डायग्राम आ। डायग्राम देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एपी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब एपी हाइट हुआ, बीसी बेस हो गया। बीक्यू इज परपेंडिकुलर, बीक्यू उसका हाइट हुआ और एसी उसका बेस हो गया। डैश डैश दिया है। प्रूव दैट सीपीए एंड सीक्यूबी इज सिमिलर। पहले वो ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं। सीपीए ट्रायंगल देखो, सी पी ए ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल लेना अपने को, और कौन सा ट्रायंगल लेने का है, सी क्यू बी, सी क्यू बी लेना ना, सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल लेना है, और इनको क्या प्रूफ करने का है, सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल में एंगल सी तो आ ही रहा है, इधर 90 इधर 90 आ गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ए टेस्ट। अभी बताया था ट्रायंगल सिमिलर कौन से टेस्ट, ए ए टेस्ट से कॉन्ग्रेंट कर देंगे, हो गया सम सॉल्व। समझा, देखो हमने ट्रायंगल दोनों निकाल लिया, एक ट्रायंगल ले लिया और एक ट्रायंगल ले लिया। अभी अपने को मेजर, अरे क्या बात है, मेजरमेंट भी दिया है, एपी का 7, बीक्यू का 8, बीसी का 12, ये सब दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट सिमिलर है, ये भी प्रूव करो और एसी का लेंथ फाइंड भी करो, दोनों चीज पूछा है। तो पहले मैं ट्रायंगल को प्रूव करूंगा। इन ट्रायंगल एपीसी, एपीसी जैसे इधर एपीसी में पी कितना है, 90 है, और अगर मैं सी क्यू बी की बात करूं तो क्यू कितना है, 90। तो नेमिंग बराबर से, सी कॉमन है दोनों में, एपीसी लिखा, पी और क्यू कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, तो पी कॉन्ग्रेंट किसको आएगा, क्यू को, सी और सी, तो आगे क्या आएगा, बी। समझ में आ गया। तो इन ट्राइंगल ए पी सी एंड बी क्यू सी, एंगल पी और एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर आई कैन से एंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी क्यू सी, ईच 90 डिग्री। पहला प्रूफ, इसमें कॉमन एंगल कौन सा है, सी, ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी क्यू, अरे बराबर कॉमन एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। समझा, ट्राइंगल सिमिलर तो साइड क्या होता है, प्रपोर्शन में, तो कौन सा साइड आ जाएगा, सी पी के अपॉन सी क्यू, पी ए के अपॉन क्यू बी, सी ए के अपॉन बी क्यू, जो भी है। अभी जो मेजरमेंट दिया है सॉल्व कर लो, बराबर है, ये 7 दिया है, ये 8 दिया है, बराबर है, ये 12 दिया, ये कितना है पता नहीं है। चलिए मेजरमेंट लिखते हैं, ए पी किधर है भाई, ए पी मतलब ये कितना दिया है, 7, ए पी के बाजू में क्या आएगा, बी क्यू, कितना आएगा, 8। फिर कौन सा दिया है, बी सी, बी सी किधर है भाई, यहाँ पे, मतलब इसको ही सॉल्व करना है ना खाली अपने को, देखो 7 अपॉन 8 और सी ए अपॉन 12 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बराबर है 7 अप इंटू 12 डिवाइड बाई 8, 4 का टेबल जा रहा है तो ठीक है, देखो यहाँ पे 4 का टेबल जाएगा, कैसे, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, और कैंसिल होगा क्या, नहीं, 7 थ्री ज़ा 21 अपॉन 2, 21 का आधा कितना आएगा, 20 का आधा कितना आधा, 10, और 1 का आधा, 1 का आधा 0.5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10.5। समझा, नहीं तो आप 2 वन ज़ा कैलकुलेशन कर लो, 2 वन ज़ा 2, बराबर, आ जा भाई तू इधर, 2 वन ज़ा 2 वन ज़ा 2, कुछ बचा के नहीं, तो 0 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 फाइव ज़ा 10, कितना है, 10.5, तो आंसर क्या है, 10.5। समझ में आ गया, पक्का समझा है 100%। और एक सम लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा आज के लिए, 5 ही सम लो, कितना एक्सरसाइज में सम देखो जरा, हाँ तो आज 5 ही सम करते, बट वो अच्छे से करने का, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं दूंगा। ये डायग्राम पे आते, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, ठीक है, डायग्राम को देखा मैंने, बेटा तू इधर ध्यान दे, इन अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एस, जैसे ही पैरेलल आया मेरी दिमाग की बत्ती जल गई, क्योंकि मैंने 9th स्टैंडर्ड किया है कि जब दो पैरेलल लाइन होता है उसमें ट्रांसवर्सल होता है, और जब ट्रांसवर्सल तो बहुत सारे एंगल भी बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बन गया, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, इंटीरियर एंगल बन गया, बराबर है, हाँ या नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गया, ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं, तो दिमाग में ये चीज तो आ ही जाना चाहिए। अब इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ए आर कितना है, 5 टाइम्स ए पी, ए एस कितना है, 5 टाइम्स ए क्यू, प्रूव क्या करना है, एस आर 5 टाइम्स पी क्यू,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सम, बट मजा आएगा। और ऐसा सम इसके बाद दो है इस टेक्स्ट बुक के अंदर, एक ये है और एक उसके बाद वाला है। पहले ये सम कर लेता हूँ। इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, बोला है ना, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। अब कोई एक लाइन ले लो जो हम लोग ट्रांसवर्सल ट्रीट करेंगे, या तो वो ऐसा वाला लाइन या तो वो वैसा वाला, जो आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही लेने का, आप कोई भी ले सकते हो। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, देखो मैंने पी क्यू और एस आर बनाया बनाया, और कोई एक लाइन पैरेलल ले लो। इधर मैंने क्या लिखा है, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, मैंने कौन सा लाइन लिया है, पी आर लिया। आप एस क्यू भी ले सकते हो, चाहिए तो सॉल्व करके देखो मैंने क्या लिया, पी आर उसका ट्रांसवर्सल। जैसे ये बनाया मुझे नाइन्थ स्टैंडर्ड याद आया कि भाई अल्टरनेट एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, वर्टिकली ऑपोजिट होता है, एंटीरियर, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अभी के लिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है अल्टरनेट एंगल। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अल्टरनेट एंगल मतलब जेड बनाने वाला एंगल। देखो ये जेड बना रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेट। मतलब पी सॉरी क्यू पी आर इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर एस, ये समझा, बस ये इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गया सम हो गया, समझा आपको यहाँ तक, पक्का समझा है। चल देखते सम क्या है। मैंने लिखा पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी आर उसका ट्रांसवर्सल है, गिवन है, देयर फॉर व्हाट आई विल बी डूइंग, एंगल क्यू पी आर, देखो मैंने लिखा ना क्यू पी आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर एस। एस आर पी लिखो या पी आर एस लिखो, एस आर पी या पी आर एस चलेगा, समझ में आया। अल्टरनेट एंगल टेस्ट डन, यहां तक मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। अब एंगल क्यू पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर, ये क्या हो गया सर, डायग्राम ये नहीं है, डायग्राम तो ये, इसमें ये पी क्यू था, ये पी क्यू था, ये एस आर था, इतना सही पी क्यू है ना आपका, ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड ये उसका ट्रांसवर्सल था, तो मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया था ना, अब मैंने इसको छोटा कर दिया, क्यू पी ए आर तक नहीं आया, मैं किधर रुक गया, ए तक, और पी आर एस की जगह मैंने ए से चालू किया, ए या तो एस आर ए, तो मैंने देखो क्यू पी आर, आर तक नहीं जाके किधर आके रुक गया, और एस आर पी तक नहीं जाके किधर आके रुक गया, मतलब एंगल वही है, खाली से शॉर्ट किया मैंने, क्यों, क्योंकि अपने डायग्राम में काम आने वाला है, समझा। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप समझ में आ गया, पक्का इंपॉर्टेंट समय एग्जाम में आता है ऐसा, सब क्लियर हो गया। इसको मैंने इक्वेशन वन कर दिया। अब अपने को दो ट्राइंगल लेने का है, कोई भी दो ट्राइंगल ले लो जो आपको मना, हमने लिया ट्राइंगल पी ए क्यू एंड पी सॉरी आर ए एस, पी ए क्यू लिया और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, आर ए एस, यहाँ पे भी नेमिंग इंपॉर्टेंट है। अपने को मालूम है पी को कॉन्ग्रेंट क्या था, अभी आपने किया ना, पी को कॉन्ग्रेंट क्या था, तो पहले पी लिखा तो पहले क्या लिखोगे, ए तो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इधर ए है तो इधर भी है, तो क्यू को कॉन्ग्रेंट क्या आएगा, समझ में आ गया, इसलिए नेमिंग ऐसा लिखा। इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल दो एंगल मिल गए मेरे को, ये और ये एंगल कॉन्ग्रेंट और ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, बस ये चीज आपको करना था। क्यू पी ए, क्यू पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू एस आर ए, इक्वेशन वन से मिल गया, एंगल ए एंगल ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देखो पी ए क्यू आर ए एस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर, पी ए क्यू इज सिमिलर टू आर एस, कॉन्सेप्ट ऐसे सिमिलर है तो साइड प्रपोर्शन में आएगा, पी ए के प्रपोर्शन में क्या आने वाला है, आर ए, ए क्यू के प्रपोर्शन में ए एस और पी क्यू के प्रपोर्शन में, इतना समझ में आया। इसके बाद के सम में भी सेम ऐसा ही करने का, पहला मैंने लाइन पैरेलल लिखा ट्रांसवर्सल से अल्टरनेट और उसको शॉर्ट किया, फिर दो ट्राइंगल लिया उसको सिमिलर कर दिया, मैंने बताया सिमिलर करने का दो टेस्ट है, या तो साइड या तो एंगल, इधर तो एंगल ही मिल गया, 90% सम ए टेस्ट से ही प्रूव हो जाता है, कुछ सम में मेजरमेंट दिया तो साइड आएगा, नहीं तो ए टेस्ट ही लिखना है, साइड प्रपोर्शन में कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो अपने कुछ तो दिया है, ए आर 5 टाइम्स ए पी है, ए एस 5 टाइम्स ए क्यू है, और अपने को प्रूफ करना है एस आर 5 टाइम्स पी क्यू का आएगा, बराबर है। अपने को दिया ए एस 5 टाइम्स ए क्यू, अपने को दिया है
एक मिनट बेटा, चलो एस कितना दिया हुआ आपने को, ए क्यू अपॉन ए एस, ए एस कितना दिया है, 5 times ए क्यू, ऐसा ही दिया ना। अब देखो ए क्यू अपॉन ए एस का आंसर में क्या लिख रहा हूँ, 1/5। सर ये कैसे लिख दिया आपने, आपने ये कैसे लिखा, जैसा बोला मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ए एस इक्वल्स टू 5 times ए क्यू। मैंने ए क्यू को ये बाजू लेके आ गया तो क्या आएगा, ए एस अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू 5। और दूसरा तरीका ए एस इज इक्वल्स टू 5 times ए क्यू बोला है, ए एस को इधर लेके आता हूँ तो 5 ये बाजू आ जाएगा, तो 1/5 इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस। अरे समझा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपन ने कैसे लिखा है, ए क्यू अपॉन ए एस लिखा है ना, इसलिए अपने को ए एस को ये बाजू लाना पड़ेगा, तो ए क्यू अपॉन ए एस का आंसर कितना आया, अरे समझा। हाँ तो यहाँ पे अपने को इससे अपने को क्या मिला, ए क्यू अपॉन ए एस का आंसर कितना आया। वैसे ए एस अपॉन का भी आंसर तो दिया था, ए एस अपॉन ए क्यू का आंसर कितना दिया है 5, और ए आर अपॉन ए पी का आंसर कितना दिया है, ए आर अपॉन इसका भी आंसर 1/5 दिया हुआ है। जब सब 1/5 है मतलब रिमेनिंग साइड भी क्या रहेगा, 1/5 रहेगा। बात समझ में आ गया क्या, एस आर इज इक्वल टू 5 times ऑफ पी क्यू, क्योंकि अपने को मालूम है। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये आर एस एस आर हो गया और ये 5 times हो गया, एस आर इक्वल टू 5 times ऑफ पी क्यू। समझा या सॉल्व करूँ नहीं समझा, मैं समझ गया आपको, यहाँ तक तो समझ में आ गया था आपको। अब देखो ये लिखने के बाद मैं क्या करूँ, इधर सॉल्व कर, पी ए अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस। इतना समझ में आ गया। अब एक एक करके अपने को दो चीज दिया गया है, क्या दिया गया है जरा देखो, अपने को दिया गया था ए आर इज इक्वल्स टू 5 times ए क्यू, और अपने को दिया गया था वही दिया था ना, नहीं ए पी दिया था, यहाँ पे ए पी दिया ए पी, और यहाँ पे क्या दिया है ए एस इज इक्वल्स टू 5 times ऑफ ए क्यू, ये दिया था। अब देखो इसके हिसाब से ए पी ऊपर होना चाहिए, आर ए नीचे होना चाहिए, इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो 5 इधर आ जाएगा, इसका आंसर आया 1/5 इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए आर। सेम इधर भी ए एस इधर आ जाएगा तो 1/5 इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस। अब इस डायग्राम में इसका आंसर कितना आया, देखो इसका आंसर कितना आया 1/5 आया ना, इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर कितना रहेगा, अभी समझा, क्योंकि जब दोनों इक्वल है तो इसका भी आंसर 1/5 ही आएगा, तो आई कैन से पी क्यू अपॉन आर एस 1/5। मुझे क्या प्रूफ करना है, एस आर इक्वल्स टू 5 times ऑफ पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 times पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, यही प्रूफ करना था। समझा भी पक्का कैसे सॉल्व हुआ, समझा, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग सम्स को कंटिन्यू करें, क्लियर है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।